जैसे हम पिछले मॉड्यूल्स में जिक्र कर रहे थे कि जो वाले कर रहे हैं जो उसके इर्द गिर्द के हालात में हो रहा है बच्चा उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है अभी उसकी कोई सेंस अखलाकियात की बनी नहीं है लेकिन जिस चीज पे वो देखता है कि अपलॉज है वो एक्सेप्टेबल है उसको कबूल किया जा रहा है तो फिर वो उसके लिए अच्छी बात है और वो उसको करने की कोशिश करता है सो तो आप यूं कह सकते हैं कि पैदा होने के साथ ही उसमें सेंस ऑफ मोरालिटी पैदा हो जाती है और वो उन प्रिंसिपल्स को उन असूलों को जानने की कोशिश करता है जो इर्द गिर्द उसमें उसके एटमोसफेयर uh, में उसके एनवायरमेंट में हो रहे हैं सो कोर बिलीव सामेंट लाइफ एक्सपीरियंसिस कैन इंफ्लुस ऑन देयर सेंस ऑफ मोरालिटी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब वो जेनेटिकली भी सीख के आता है उसका टेम्परामेंट कैसा होगा मिजाज कैसा होगा वो सब्र वाला बच्चा है बेचैन है हाइपर एक्टिव है सुकून के साथ रहने वाला है कुछ चीज़ें तो हैं और कुछ उसने फिर अपने एक्सपीरियंसेस से सीखनी है उसके साथ जो भी डील कर रहा है चाहे वो उसकी माँ है चाहे वो उसकी कोई केयर गिवर है वो देखने की कोशिश करेगा वो उसके साथ कैसे ट्रीट कर रही है सो पेरेंट्स हैव सम इन्फ्लुएंस ऑन देयर चाइल्ड ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट एंड डेवलप वट इज़ राइट और रॉन्ग एंड अदर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लाइफ तो अब ये जो सही गलत का तस्वर है ये पेरेंट्स ने ही उनको देना है मतलब वो उसके साथ जैसे हम छोटी सी बात करते हैं कि बच्चे को कोई चीज़ दिखाई जाए और पीछे हटा ली जाए फिर दिखाई जाए और पीछे हटा ली जाए तो बच्चे का ट्रस्ट लूज होना शुरू हो जाता है बज़ाहिर हमारे लिए बड़ों के लिए वो एक खेल है और हम देखते हैं कि बच्चा इस पर रिएक्ट कैसे कर रहा है लेकिन दर हकीकत वो उससे आप देखिए एक बहुत बड़ी एक आ, हमारे खूबी होती है वादा पूरा करने की तो वो वादा खिलाफी अभी से शुरू हो जाएगी आप चीज़ दिखाएंगे वापस ले लेंगे फिर उसको छूने को कहेंगे फिर वापस ले लेंगे उसके अंदर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा सो अराउंड एज टू चिल्ड्रन स्टार्ट टू फील मॉरल इमोशंस एंड अंडरस्टैंड एट लीस्ट अंडरस्टेंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग देखिए दो साल की उम्र में ही उनको अंदाजा हो जाता है दुरुस्त क्या है और गलत क्या है कौन सा अमल ऐसा है जिसके करने से फायदा होता है पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करते हैं वो उस पर शाबाश देते हैं कोई रिवॉर्ड मिलता है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके करने से उनको मार पीट सकती है उनको घूरा जा सकता है और उनको डांटा जा सकता है हाथ से रोका जा सकता है तो उसकी वैल्यूज जुदा होनी शुरू हो जाती है उसको समझ आ जाती है कि दूसरे को खिलौना देना शेयर करना या खाना शेयर करना अच्छी बात है या बुरी बात है तो ये जो डिफरेंसेस हैं छोटे छोटे ख्वा वो लेन देन के हों खो इज़्ज़त के हों खो कम्युनिकेशन के हों वो सब आहिस्ता आस्ता से सीखने की कोशिश करता है और यूँ उसकी छोटी छोटी वैल्यूज बन जाती हैं टॉयर्स एंड प्री आर मोटिवेटेड बाई द थ्रेट ऑफ कॉन्सिक्वेंस हाँ जैसे हमने अर्ज किया अभी उनकी कोई बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की सोचें नहीं हैं कि कौन सी चीज़ अगर अच्छी होगी तो उसके आ, उसका वो इसलिए अच्छी होगी क्योंकि लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं वो कोई नेकी का काम है या भलाई का काम है इस तरह की कॉम्प्लेक्स सोचें उनके अंदर नहीं हैं वो सिर्फ कॉन्सिक्वेंसिस को नज़र में रखते हैं जैसे हम अभी अर्ज कर रहे हैं कि कौन सा फेल करने से उसके नतज अच्छे निकल सकते हैं और कौन सा फेल करने से नतज बुरे निकल सकते हैं अब वो नतज भी अपनी मर्जी से देखेगा मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा है सो so, उसने ये सीखना है द चाइल्ड डिवेलप एमपिथी क्लोजर टू एज फोर और फाइव हाँ जब वो चार से पाँच बरस का हो जाता है तो फिर वो एमपथी सीखता है एम्पथी क्या है कि वो साथ के बच्चे के जज्बात को भी समझने की कोशिश करता है वो ये भी देख लेता है कि मेरे पेरेंट्स इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा जो मेरी जिस तरह से मेरी पसंद है ना पसंद है कुछ चीजें मुझे तकलीफ देती हैं इसी तरह दूसरों की पसंद और ना पसंद है और उनको भी वो तकलीफ दे सकती हैं या खुशी दे सकती हैं तो दूसरे के जज्बात को अपने जज्बात की तरह पहचानने को और समझने को हम एम्पति कहते हैं हमारे बच्चे चार से पांच साल तक एम्पति डिवेलप कर लेते हैं प्री स्कूलर्स डोंट मेक लाइफ ऑल्टरिंग डिसीशन भाई प्री स्कूलर्स ने कोई ज़िंदगी को बदल देने वाले फ़ैसले नहीं करने होते लेकिन सारे दिन में छोटे छोटे फैसले तो वो करते हैं सो दे मेक स्मॉल मॉरल डिसीशंस एवरी डे भाई ये मैंने खिलौना देना है कि नहीं मुझे अच्छा भी लग रहा है लेकिन फिर भी मैंने अपनी बहन को देना है कि नहीं अगर वो कुछ खा रही है तो क्या मुझे उसकी इजाज़त के बगैर या उससे छीन के खा लेना चाहिए कि नहीं अगर मेरी माँ मेरी जगह पे बैठ गई है तो क्या मैंने उसको खींच के उठाना है या कोशिश करनी उसको उठाने की या मैंने जब्त कर लेना है और मैंने उसको बैठने देना है सो so, ये छोटी छोटी बातें हैं टॉयज़ के ऊपर खाने पीने के ऊपर मिल के खेलने के ऊपर तो छोटे छोटे डिसीजन लेता है और याद रखिए वो एम्पेथेटिकली ले सकता है वो मोरालिटी को समझ सकता है अभी उसके जेन में ये सारी चीजें पनप रही हैं सो डिसिप्लिन द चाइल्ड विथ प्रो एक्टिव तो हम क्या कह रहे हैं कि जब बच्चे हमारे टॉडलर हैं चार सौ पाँच बरस की उम्र के हैं तो उनको प्रो एक्टिव स्ट्रैटजीज के ज़रिए समझाया जाए और उनको डिसिप्लिनाइज किया जाए यानी हम उनको पहले से चीज़ों के बारे में बताएं उनके साथ बातचीत करें कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा है किस चीज़ का फ़ायदा है किस चीज़ को पसंद किया जाता है और हम मुसलमान हैं तो हम बच्चे को अल्लाह की रज़ा के बारे में भी बताते हैं कि भाई इस चीज़ को झूठ को अल्लाह नापसंद करता है झूठ झूठ नहीं बोलते यह कि और सच को सब पसंद करते हैं सच बोलना अच्छी बात है जैसे हुआ था आप वैसे बता दें तो वो सच है अगर आप उसको छुपाएंगे वो झूठ है आप आहिस्ता आहिस्ता बात करें यानी इससे पहले के बच्चा कोई फेल सर अंजाम दे उससे पहले उसको पता होना चाहिए कि क्या जो वो अच्छा काम करने जा रहा है या बुरा काम करने जा रहा है तो जब उसका कॉन्सेप्ट बन जाएगा तब तो वो बेहतर तौर पर रिएक्ट करने के काबिल होगा